गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका साइंस का टीचर। तो साइंस में हम लोग जो है अपना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, अपनी बुक के चैप्टर स्टार्टिंग करने से पहले कुछ बेसिक साइंस पढ़ेंगे। तो मैं आज जो है आपको बुक्स में सिलेबस और आपने कॉपी क्या बनानी है और जो आप लोग बेसिक साइंस पढ़ेंगे उनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँगा यहाँ पर। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारी साइंस की बुक है क्लास सिक्स की। इसमें यहाँ पे ये इंडेक्स दिया हुआ है, यानी कि जो भी हम चैप्टर पढ़ेंगे इसमें सारे नाम दिए गए हैं। चैप्टर फर्स्ट है हमारा फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम करके, तो यानी कि भोजन यह हमें कहाँ से प्राप्त होता करके, ये हमारा पहला चैप्टर है। उसके बाद इसमें हमारे साइंस के कोर्स में 16 चैप्टर हैं हमारे। ठीक है, क्लास सिक्स से एम एम चैप्टर फोर पे पहुँचाऊँ आप लोगों की क्लास में, जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी बच्चों की तो मैं आपके लिए ये सब चीज़ें भेजते रहूँगा। तो उससे पहले मैं आपको बेसिक साइंस कुछ भेजूँगा। ठीक है, जैसे बेसिक साइंस के अंतर्गत आपके, जैसे ही मैंने ये आप देख पा रहे हैं कि एलिमेंट्स यानी कि तत्वों के नाम है 1 to 10 तक का, 1 से 10 तक परमाणु संख्या। ठीक है, तो वैसे ही 11 to 20 तक जो तत्व आते हैं हमारे आवर्त सारणी में ये मैंने लिखे हुए हैं उनके प्रतीक सहित। ठीक है, और कुछ भौतिक राशियां हैं और उनके मात्रक हैं। ठीक है, ये भी बेसिक साइंस के अंतर्गत आता है आपको। फिर कुछ गैस यौगिक यानी कि कंपाउंड और उनके एटॉमिक फार्मूला यानी कि अणुसूत्र। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका डिस्कवरीज एंड देयर डिस्कवरर्स यानी कि कुछ खोजें जो विज्ञान संबंधी खोजें हैं। ठीक है, जो आपकी इस बुक में जो आपके साइंस में जो हैं आप लोग पढ़ेंगे अपने 12th तक का जो काम आएंगे आपकी जितनी भी ये चीज़ें मैंने लिखी हैं। ठीक है, फिर उसके बाद विज्ञान संबंधी मापक जो यंत्र होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं जिनको यूज करते हैं अलग कार्यों के मापन हेतु। ठीक है, और कुछ विज्ञान संबंधित जो हैं तिथियाँ भी मैंने लिखी हैं। ठीक है, जो आपके क्या कहते हैं साइंस के जनरल नॉलेज में काम आएंगी। ठीक, तो इनको हम जो है फिर करेंगे आगे। ठीक है, आज के लिए जो है आपका जो वर्क है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसको आप लोगों ने अपनी कॉपी पर करना है। तो सबसे पहले जो है आपने जो कॉपी बनानी है, जैसे आप कॉपी देख रहे हैं ये बड़ी वाली कॉपी है। ठीक है, तो लगभग 120 पेजेस की कॉपी बनाएंगे जो वन साइड रूल वाली होगी, यानी कि सिर्फ इसके इस तरफ रूल होगी और इस तरफ वाइट पेज होगा उसका। तो इस टाइप की कॉपी बनाएंगे साइंस की आप लोग। ठीक है, ये तो डबल साइड रूल वाली है, आपने वन साइड रूल वाली कॉपी बनानी है जिसमें सिर्फ आपके राइट साइड पे रूलिंग रूल होंगी, रेखाएँ होंगी, इस साइड आपका वाइट पेज होगा। ठीक है, और उसका इंडेक्स भी आपने फिल करते रहना है साथ साथ में, जो चीज़ मैं आपको बताऊँगा, जो चीज़ आप हेडिंग डालेंगे नए नए डेट के अनुसार वो आप जो हैं अपने इंडेक्स में भी फिल करते रहेंगे। ठीक है ना, जैसा कि इसमें इंडेक्स दिया गया है। ठीक है ना, तो इस इंडेक्स को आप यहाँ से इस तरह से डेट डाल करके ऐसे भी फिल करते रहेंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए जो मैं आपको वर्क दे रहा हूँ वो वर्क है आपका, आप लोगों ने अगर किताब ले ली होंगी, शायद सभी बच्चों ने ले ली होंगी किताबें साइंस की। ठीक है, विज्ञान की पुस्तक ले ली होगी। तो चैप्टर फर्स्ट में हमारा एक फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक चित्र दिखाई दे रहा है कि डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि जो पौधा है उसके विभिन्न खाने योग्य भाग करके। ठीक है, इस डायग्राम को आपने अपनी फेयर कॉपी पे बढ़िया करके बनाना है और उस पर कलर भी करना है, और जैसे जैसे ये नाम दिए गए हैं आपको ये नाम भी आपने जो है उसमें लिखने हैं। मैं आपको समझा देता हूँ इसमें ठीक है क्या चीज़ें हैं करके। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो प्लांट है हमारा, ठीक है, इसके जो ज़मीन से नीचे वाला भाग है, ठीक है, ये मूल तंत्र कहलाता है यानी कि रूट सिस्टम हुआ, और जो जड़ से ऊपर का भाग होता है ये सूट सिस्टम कहलाता है यानी कि प्ररोह तंत्र कहलाता है। ठीक है, तो प्ररोह तंत्र के अंदर सभी चीज़ें आती हैं और मूल तंत्र के अंतर्गत सिर्फ जो है रूट आता है। तो रूट्स भी आपको दिखाई दे रही होंगी, ये आपकी प्राइमरी रूट है। ठीक है, जो मेन जड़ होती है उसे प्राइमरी रूट कहते हैं, मुख्य जड़, और जो मुख्य जड़ से लगी हुई अन्य जड़ें होती हैं उनको सेकेंडरी रूट कहा जाता है। ठीक है ना, ये आपको दिख पा रही होंगी, ये क्या है, लीफ है किसी प्लांट की, और उसके बाद जो ये बीज का भाग होता है, ठीक है, जिसमें जो है पत्तियाँ, शाखाएँ, फल और फूल लगते हैं, वो स्टेम होता है आपका। फिर ये दिख रहे हैं आपको, ये फ्रूट लगे हुए हैं इस स्टेम में और टॉप पे फ्लावर लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, सूट सिस्टम कहलाता है।
और पत्तियों से और स्टेम के बीच से जो है ब्रांचेस निकलती हैं, ये आपका ब्रांच है इसमें। और ब्रांचेस और स्टेम के बीच में नए नए जो कलियाँ निकलती हैं उन्हें बड कहा जाता है, ठीक है। और दो शाखाओं के बीच में या दो पत्तियों के बीच में जो स्थान होता है उसे इंटरनोड कहा जाता है। और जहाँ से जो है पत्ती निकलना स्टार्ट होती है, ठीक है, तो या शाखा निकलना स्टार्ट होती है तो उसे कहते हैं हम नोड कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आप ये फिगर देख पा रहे हैं, इसमें जो है इसको जो है आपने अपनी फेयर कॉपी पे बनाना है और कलर भी करना है, और जैसे जैसे ये नाम दिए गए हैं इन नामों को भी आपने अपनी फेयर कॉपी पे लिखना है, और ये हेडिंग डाल लेनी है इसे डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स करके, या प्लांट्स पार्ट्स करके भी खाली आप हेडिंग डाल सकते हैं। ये वैसे मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ प्लांट पार्ट करके आप इसको, या पार्ट्स ऑफ इतना ही लिखिएगा, सिर्फ पार्ट्स ऑफ प्लांट करके इतनी भी हेडिंग, सिर्फ इतनी ही हेडिंग डाल लीजिएगा, काफ़ी हो जाएगी, ठीक है। पार्ट्स ऑफ प्लांट करके फिर इसको जो है आप लोग बना करके इसमें कलर कर लीजिएगा, ठीक है।